नमस्कार दोस्तों, Redmi Note 7 जो है भारतीय बाज़ार में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उसकी कुछ जो है खूबियाँ, कुछ जो है उसके स्पेसिफिकेशन और उसकी चर्चाएं चालू हो गई हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्या है सारी खबर और कब ये लॉन्च होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। सबसे पहले बात करते हैं एक फ़ोन के बारे में जो कि फ़िलहाल अभी लॉन्च हुआ था, वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी एम सीरीज़ में M10 और M20। M10 और M20 आते ही मार्केट में कुछ इस तरह से खलबली मची है कि अब जो है रेडमी वाला फ़ोन जो है, यानी रेडमी वाले मजबूर हो गए हैं कि अपने 48 MP कैमरे वाले फ़ोन को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है उनका जो नॉच जो डिस्प्ले है वो इसी में है, दूसरे में नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसी डिस्प्ले, कुछ ऐसे चित्र अपने ट्विटर हैंडल पे लॉन्च किया, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय बाज़ार में बहुत ही जल्द कह सकते हैं कि यानी कि अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है लॉन्च होने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जो एम नॉच डिस्प्ले, इसको एम पावर्ड कहा गया है या फिर एम डिस्प्ले या वी डिस्प्ले कहा गया है, ये सैमसंग के मोबाइल से एम का जो टैग लगा है उसी को कुछ चिढ़ाते हुए, क्योंकि इन्होंने भी देखिए आई एम का या एम आई का कह सकते हैं उसको चिढ़ाया था, तो उन्होंने भी इसको चिढ़ाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं, इन्होंने 3-4 फोटोज़ लॉन्च किए जिसमें कि अब एम मोबाइल को चिढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पे एम किया है और यहाँ पे 48 MP को उल्टा लिखा है, ताकि इसका ये भी अर्थ हो जाएगा कि एम को अगर उल्टा करें तो वो डब्लू हो जाएगा, यानी डब्लू से वेट भी होता है, वेट यानी इंतज़ार। तो इंतज़ार करेंगे तो आपको 48 MP कैमरा वाला मोबाइल मिलेगा, ना कि एम वाला लेंगे तो इतना घटिया सा मोबाइल मिलेगा। ये शाओमी ने उसको चिढ़ाने के लिए लगाया है सैमसंग को एकदम खुला खुला। अब दूसरे यही नहीं, आपको और भी बताता हूँ कि शाओमी ने किस तरह से उसको और टीज किया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं एंटीटू स्कोर से अगर आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एम लिखा है यहाँ पे, यानी कि इसका जो महंगा वाला मोबाइल है उसका भी 1,23,000 जाता है, लेकिन ये जो रेडमी का नोट 7 है ये जाएगा आपको 1,43,000 तक, जो कि स्नैपड्रैगन के बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर के 660 के साथ में आता 2.2 GHz के ऊपर, और काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन के साथ में आपको जो ग्लास वगैरह हो काफ़ी बढ़िया 6.3 इंच की, और गोरिल्ला ग्लास फाइव का डिस्प्ले दिया गया जो कि टूटता फटता नहीं है, काफ़ी मजबूत, हमने रिसेंटली इसके वीडियो देखे थे। एक और चिढ़ाने वाली खबर ये है, ये एम है यानी यही सैमसंग गैलेक्सी के एम, और इसको कंपेयर किया गया है अपने 48 MP वाले कैमरे से। तो ये देख सकते हैं कि इस फ़ोन की क्वालिटी और इस फ़ोन की क्वालिटी ये क्या है। गेमिंग खेलेंगे तो आपको कुछ इस तरह सा फीलिंग महसूस होगा एम में, तो यानी कि पावर भी नहीं है उस फ़ोन में, कुछ नहीं है, तो आप क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए और बढ़िया फ़ोन लीजिए, ऐसा कंपनी ने खुला खुला चैलेंज किया। ये देखिए एक फ़ोटोज़ और आ रहा है जो कि बताया गया यहाँ पे, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यानी कि जो वेट करता है उसके लिए, और ये एम को फिर से यहाँ से चिढ़ाया कि सैमसंग गैलेक्सी एम जो 7 तारीख से चालू हो गया उसको मत लीजिए और थोड़ा सा वेट करिए, तो आपके लिए वेट थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, अब फ़ोन आपके हाथों में आएगा। तो ये सारी खबर है, और फ़ोन के बारे में बता दूँ तो फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन है, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाए थे, तो आप इंतज़ार करिए। मैं कहता हूँ कि उसमें दो वेरिएंट इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाले हैं, 3/32 वाला शायद 10 में मिल जाए यानी 9,999 रुपये में, और जो उसके ऊपर है 4/64 वाला वो आपको 12 या 12.5 तक मिल जाए, और 6/64 वाला भी आएगा जो कि 13,000 या 14,000 तक आएगा। तो आशा करते दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और देखा होगा आपने सैमसंग और इन्होंने किस तरह से एक दूसरे की खिंचाई की है इस वीडियो में, आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। वेजी टेक्निकल देखने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।